दोस्तों, आज मैं आपके लिए ड्रम ब्रेक के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट आपका सॉम टॉम डोम एमडी एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जिसमें भाटिच ड्रम ब्रेक, पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ ड्रम ब्रेक, एडवांटेजेस ऑफ ड्रम ब्रेक एंड एप्लीकेशंस ऑफ ड्रम ब्रेक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट में हम ब्रेक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के ब्रेक्स होते हैं। न्यूमेटिक ब्रेक होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक, अलग अलग प्रकार के ब्रेक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्क एंड ड्रम ब्रेक के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ड्रम ब्रेक क्या होता है? अ ड्रम ब्रेक इज अ ब्रेक विच यूज इन स्कूटर्स, बाइक्स, ऑटो रिक्शा एंड कार्स। ड्रम ब्रेक एक ब्रेक का ही प्रकार होता है, ब्रेक है जिसका उपयोग मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स, ऑटो रिक्शा में उपयोग किया जाता है। जो ड्रम ब्रेक होता है, इसमें क्या रहता है, एक ब्रेक ड्रम होता है। इस ड्रम के अंदर जो है, इसमें हमारे ब्रेक शू होते हैं, और शू का जो आउटर सरफेस है वो हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग से बना होता है। तो ड्रम ब्रेक में जब शू हमारे प्रेस करते हैं अगेंस्ट द इनर सरफेस ऑफ द रोटेटिंग ड्रम, तो जैसे रोटेटिंग ड्रम के सरफेस के अगेंस्ट हमारे ब्रेक शू प्रेस होते हैं, तो ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद व्हीकल को स्लो कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, ब्रेक ब्रेक है जो उसका वर्क होता है। अब दोस्तों, कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक? तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा यह है कि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है। सेकंड दोस्तों, इससे जो मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा मोटिवेशन है, ये हमारा इंक्रीज होता है कि दोस्त छात्र हैं जो मेरे चैनल के लिए लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जिससे हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेन पार्ट ऑफ ड्रम ब्रेक क्या होता है, जैसे कि ये जो डायग्राम है, डायग्राम में जो ब्लैक कलर का आपका आउटर सरफेस दिख रहा है, ये हमारा ब्रेक ड्रम, और बीच में हमारी क्या होती है, शाफ्ट होती है, जिस पे हमारा ये माउंट होता है, और इसके ऊपर हमारा ड्रम के ऊपर हमारा व्हील या पहिया माउंट रहता है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर जो हैं दो ब्रेक शू हैं जो कि स्प्रिंग कैम और एंचोर पिन से कनेक्टेड होते हैं, और जो ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू के ऊपर आउटर जो सरफेस बना होता है वो रफ सरफेस होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग। जब ये रफ सरफेस हमारा ब्रेक ड्रम के संपर्क में आए, तो ये फ्रिक्शन के कारण इसमें घर्षण होगा, और ये इसके रोटेशन को क्या करेगा, स्लो करते हुए स्टॉप कर देता है। तो इसमें एक तो आपके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्रेक ड्रम होगा, ब्रेक शू होंगे, कैम होगा, स्प्रिंग, ब्रेक लाइनिंग एंड एंचोर पिन्स होती हैं। ठीक, जो हमारा कैम होता है, ये हमारा ब्रेक जो केबल होती है उससे कनेक्टेड होके, ड्राइवर के यदि ब्रेक पैडल है तो पैडल से कनेक्टेड होगा, और ये आपके हैंड ब्रेक है हाथ से, तो इससे कनेक्ट होता है। अक्सर हम अपनी गाड़ियों में देखते हैं, आप कोई भी मोटरसाइकिल की जब भी सर्विसिंग करवाते हैं, ब्रेक चेंज करवाते हैं, तो हमारा ड्रम ब्रेक भी उपयोग होता है, वहाँ पे आप फिजिकली चेक कर सकते हो। तो इन सारे पार्ट से मिलके ड्रम ब्रेक बनता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग में क्या होता है, जो कैम है, ये सपोज टेंजेंशियल कैम है, जो कैम आपका माउंट है, और ये कनेक्टेड आपका कैम के सेंटर पे जो व्हाइट कलर का पिन दिख रहा है, इससे हमारी केबल ज्वाइन होती है। जब भी हम ब्रेक के लिए अप्लाई करते हैं, तो या तो हम ब्रेक पैडल के लिए प्रेस करते हैं, या हम हैंड ब्रेक का जो लीवर होता है उसको प्रेस करते हैं। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, तो जो कैम होता है, कैम हमारा क्या होता है, टर्न होता है, घूमता है। कैम घूमेगा तो क्या होगा, जो कैम का टेंजेंशियल पोर्शन है, ये दोनों ब्रेक शू को बाहर की ओर फोर्स करेगा, प्रेस करेगा। अब जब ये बाहर की ओर प्रेस होते हैं,
तो जो हमारा ब्रेक शू के ऊपर आउटर फ्रिक्शन लाइनिंग सरफेस है, ये हमारे ड्रम के रोटेटिंग ड्रम के कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में आने के बाद इसको स्लो करते हुए इसके रोटेशन को रोक देता है। और जैसे हमारा ब्रेक ड्रम जो घूम रहा था, रोटेट कर रहा था, वो रुक जाएगा तो आपकी गाड़ी जो है व्हीकल्स वो स्टॉप हो जाती है। और इसके बाद जैसे आप ब्रेक पैडल को रिलीज करते हो तो ये कैम अगेन टर्न होता है और अपनी एक्चुअल पोजीशन में बैक हो जाएगा, जिससे स्प्रिंग फोर्स के कारण ये दोनों हमारे ब्रेक शू वापस अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और ब्रेक आपका रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से जो ड्रम ब्रेक है वो वर्क करता है, क्योंकि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग किस कंडीशन में है, स्प्रिंग इसको कंप्रेशन की कंडीशन में खींच के रखे हुए है। लेकिन जब कैम टर्न होगा तो स्प्रिंग में और टेंशन आएगी क्योंकि ब्रेक शू आपके बाहर की ओर प्रेस होंगे। क्लियर? तो इस तरह से जो ड्रम ब्रेक है वो काम करता है। अब इसकी एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस, तो जैसे कि हम जानते हैं जो ड्रम ब्रेक है, ब्रेक की यदि बात करें तो ब्रेक तो सभी गाड़ियों में यूज होते हैं, बाइसिकल में भी ब्रेक लगे होते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक भी यूज होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक भी यूज होते हैं, न्यूमेटिक ब्रेक भी यूज होते हैं, सबके अलग अलग डिफरेंट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक यूज्ड इन स्कूटर्स, बाइक्स, ऑटो रिक्शा, कार्स, रियर व्हील ऑफ ट्रक्स एंड बसेस एटसेट्रा, इन जगहों पे हमारा जो ड्रम ब्रेक है वो उपयोग किया जाता है। तो रियर का मतलब होता है पीछे वाले पहिए और फ्रंट मतलब आगे वाले पहिए। ठीक, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? सिंपल डिजाइन, जो ड्रम ब्रेक है इसकी जो डिजाइन होती है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है, सिंपल होता है, आसान होता है, इजी एंड चीपर टू मैन्युफैक्चरर, इसको बनाना आसान होता है, सस्ता भी होता है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है, मीन्स रख रखाव या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होती है, लेस होती है। इसके जो कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, फ्यूअर मीन्स कम पार्ट्स होते हैं, और ड्रम ब्रेक की जो लाइफ है ये ज़्यादा होती है, लंग लाइफ होती है। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ ड्रम ब्रेक। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।